नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एची ऑन गेमिंग में। बैटमैन के लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा ही था कि हम चाहते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो आर्कम नाइट को मारने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे उसका जो क्लाउड बस डिवाइस है उसे यहाँ पे डीएक्टिवेट करना होता है। इसी चक्कर में हम जो उसके पास जाते हैं, बट वहां पे जाने का पता चलता है कि उसके पास पास ना यहाँ पे 7 कोबरा टैंक्स भी है, तो हमें जो है कोबरा टैंक्स को मारने में खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद जो है आर्कम नाइट को भी पकड़ लेते हैं क्लाउड बस टैंक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के बाद, बट जो आर्कम नाइट है वो यहाँ पे भाग जाता है जैसे तैसे करके। और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं पॉइजन आईवी के साथ, और वहां पे जाकर पता चलता है कि जो पॉइजन आईवी के प्लांट्स हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं, और जो पॉइजन आईवी है वो भी यहाँ पे मर जाती है। और फिर यहाँ पे अल्फ्रेड है, उसका कॉल आ जाता है, और जो अल्फ्रेड है वो यहाँ पे बताता है कि यहाँ पर किसी के ब्रॉडकास्ट का यहाँ पे जो मैसेज है वो आया हुआ है स्वाइट वाले चैनल पे। तो अभी हमें जाना था यहाँ पे जीसीबीडी के हेडक्वार्टर्स में, तो हम आ जाते हैं जीसीबीडी के हेडक्वार्टर्स में और यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑफिसर्स से। तो आज जो है हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी यहीं पर हूँ एसी हेडक्वार्टर्स में जीसीबीडी के, और फटाफट से यहाँ पर मैंने इन ऑफिसर्स से जो है बातचीत भी कर ली है। और यहाँ पर इस ऑफिसर के हिसाब से मुझे सबसे पहले तो जो ऑफिसर गॉर्डन है उन्हें यहाँ पे पकड़ना होगा, यानी कि उन्हें यहाँ पे बचाना होगा, क्योंकि Gordon. जो ऑफिसर गॉर्डन है वो यहाँ पे खतरे में है। I need you to isolate the radio's frequency and pinpoint its location. Of course, sir. The transmission appears to have originated from an abandoned shopping mall. The building has been without power for some time, sir. You may well encounter some obstacles. The remote electrical charge prototype is being held in the GCPD evidence room. That should help. Very well, sir. I'm sure Officer Cash will understand. ऑल राइट, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें अल्फ्रेड ने जो है बता दिया है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आई हुई थी वो आई थी यहाँ पे किसी शॉपिंग टावर के पीछे से। तो अभी हमें वहीं पर जाना है, बट उससे पहले यहाँ पे जीसीबीडी के हेडक्वार्टर से यानी कि एविडेंस रूम से हमें लेना होगा इलेक्ट्रिक चार्जर, मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्जर्स तो नहीं होगा, ये कोई और चीज़ है। ऑल राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका नाम, तो इसको जो है मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एविडेंस रूम से, और यहाँ पे कोई ऑफिसर जो है इसके बारे में मुझसे पूछने वाला भी नहीं है। और अभी जो है मुझे यहाँ पे जाना होगा ऑफिसर जिम को यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर वो यहाँ पे खतरे में अगर अपन को डाल लेते हैं खुद को खतरे में, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पूरे का पूरा जो पुलिस स्टेशन है उन्हीं के सहारे यहाँ पे चलता है। एक सेकंड में कहाँ से आया था, मैं यहीं से तो आया था ना। ऑलराइट, ये रहा बाहर जाने का रास्ता, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऑफिसर वगैरह जो है मुझे रोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैंने एविडेंस रूम से जो वो है मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी यहाँ पे निकाल लिया है। फटाफट से यहाँ पर चल लेता हूँ शॉपिंग मॉल के पीछे जहाँ पे कि मुझे अल्फ्रेड ने बताया हुआ है, फटाफट से यहाँ पे ऑफिसर गॉर्डन को बचा लेता हूँ। चलो यहाँ पर बाहर की तरफ भी आ चुका हूँ, फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। ऑलराइट, और रास्ते में मेरे हिसाब से मुझे जो है काफी सारे जो टैंक है वो यहाँ पे मिलने वाले, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ अभी भी यहाँ बाहर की तरफ ना बारिश हो रही होगी, क्योंकि हमेशा ना गॉथम सिटी में जो बारिश है ये रुकने का तो नाम ही नहीं लेती। और राइट, तो यहाँ से जो है मुझे सीधा सीधा चलते जाना है फिलहाल के लिए। और यहाँ पर जो टैंक है ये भी आप देख ही पा रहे हो, बट मैं टैंक के चक्कर में नहीं रुकने वाला, मैं तो सीधा सीधा अपना रास्ते से रास्ता नापने वाला हूँ। ऑल राइट, ये यहाँ पे कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं बन रहा है टैंक वाले, ठीक है मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इनके पीछे अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो ऑफिसर गॉर्डन यहाँ पे खतरे में पड़ सकते हैं। मारते रहो कितनी मिसाइल वगैरह मारनी है। ऑल राइट, कुछ ज़्यादा ही मिसाइल वगैरह मार रहे हैं, बच गया फिर से। मेरे हिसाब से मैं जो है शॉपिंग मॉल में पहुँचने वाला हूँ। ऑल राइट, एक सेकेंड, यही है शॉपिंग मॉल। ऑल राइट, तो मैं शॉपिंग मॉल में आ चुका हूँ, और मुझे जो है इसके पीछे जाना है, और मुझे ना इस शटर के पीछे जाना है, और इस शटर के पीछे जाने के लिए मुझे शायद से किसी डिवाइस को हैक वगैरह करना पड़ सकता है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक जाली है, तो हो सकता है मैं जाली के थ्रू जा सकता हूँ। ऑल राइट, चलो मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ, अब यहाँ पर जो है मुझे अंदर की तरफ जाना होगा उस गेट के पीछे। एक सेकेंड, यहाँ पर पानी में ना जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दौड़ रहा है, तो मुझे इसको ना इलेक्ट्रिक चार्जर को यूज करके इसको यहाँ पे बंद करना होगा। ऑल राइट, तो अभी बंद हो गया, लेकिन आगे वाला जो गेट है ये भी यहाँ पे बंद हो गया, इसको मैं फिर से चालू कर देता हूँ। चलो गेट भी ओपन हो चुका है, अभी यहाँ पे चल लेता हूँ मैं ऊपर की तरफ। एक सेकंड, यहाँ तो बहुत सारे बंदे हैं। ऑलराइट,
और यहाँ पे ऑफिसर गॉर्डन को मिलिशिया का बंदा किधर लेकर जा रहा है? ये तो किसी डिपार्टमेंट स्टोर्स का रास्ता है और ये ऑफिसर गॉर्डन को वहीं पे लेके जा रहा है और मैं जो है बाहर भी नहीं निकल सकता अभी। शिट, और यहाँ पे एक दरवाजा भी है। अगर मैं इस दरवाजे को, मतलब इस बटन को यहाँ पे प्रेस करके सामने वाला दरवाजा खोल दूंगा तो मेरी जो कार है वो सामने की तरफ खड़ी हुई है और वो इन सबको एक चुटकी में मार देगी। तो फटाफट से इसको मैं हैक कर लेता हूँ। मतलब मुझे ना यहाँ पे वॉइस सिंथेसाइजर यूज करना पड़ेगा, ठीक है? इससे बोलता हूँ मैं बटन ओपन करने को, आगम नाइट की आवाज में बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे आगम नाइट के बंदे हैं। ठीक है, अपनी बैट मोबाइल व्हीकल के पास जाता हूँ। जैसे यहाँ पे जो शटर है खुलेगा वैसे ही मैं तबाही मचाना चालू कर दूंगा। ऑलराइट, ये लोग जो है मेरी कार के ऊपर हमला करने में लगे हुए हैं अभी, इनकी ऐसे कम तैसी। इनको क्या लग रहा है, एक सेकेंड, मैं गलती से बार बार जो है स्विच कर रहा हूँ। अभी सही है, ये लो ये लो ये लो, सबको जो है मैं मार दूंगा। और राइड, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब यहाँ पे सबके सब भाग रहे हैं। एक सेकेंड, तू किधर जा रहा है? ठीक है, तो अभी सबके सब यहाँ पे मर चुके हैं और अभी मैं यहाँ से बाहर की तरफ आ सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर जाना होगा। ठीक है, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, इसको मैं यूज करके शायद से लिफ्ट को बंद कर सकता हूँ या फिर लिफ्ट को, मतलब दरवाजा वगैरह खोल सकता हूँ। ठीक है, तो एक दरवाजा तो यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है, बट ऊपर भी एक दीवाल है और सामने की तरफ भी एक दीवाल है और नीचे की तरफ बड़े बड़े पंखे हैं। तो शायद से मैं अपनी बैट मोबाइल का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसको फोड़ने के लिए। और राइट गया, बढ़िया। अभी मैं सामने की तरफ जाकर चेक कर लेता हूँ, शायद वहाँ पर जो है मुझे कुछ मिल जाए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बॉक्स है, इसको नीचे करने से शायद से जो पंखे हैं वो बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पंखे बंद नहीं हुए, ये जो है नीचे की तरफ हो गए, मतलब कि अब मैं अपनी व्हीकल को यहाँ पे अंदर की तरफ लेके आ सकता हूँ। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये विंच लगाने का ऑप्शन है और मैं जो इसको पीछे खिसका नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिल्डिंग में फंसा हुआ है, बट मैं इसको उल्टी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, मतलब कि बैट मोबाइल के व्हीकल को वजन को उठाने में यूज़ कर सकता हूँ। और राइट में नीचे की तरफ जाऊँगा तो मेरी बैट मोबाइल जो व्हीकल है ये तबाह होने वाली है। और ऊपर की तरफ एक और दीवार है, उसको फोड़ देता हूँ सबसे पहले तो, बढ़िया। मतलब जो भी इन पंखों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इतना तो पक्का है। फटाफट से यहाँ पे ऊपर की तरफ रास्ता ओपन हुआ है तो एक बार ऊपर की तरफ भी चल कर देख लेना चाहिए कि आखिर में ऊपर की तरफ क्या है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ काम की चीज़, कुछ सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं इधर और ये शायद से ट्रॉफी होने वाली है रिडलर की। यहाँ से तो मैं जा नहीं सकता हूँ। यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, एक टाइप का जनरेटर लग रहा है मुझे, जो कि मुझे नीचे की तरफ दिखा था। इसको मैं बंद कर सकता हूँ क्या, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। ऑलराइट, एक सेकेंड, ये तो तेज तेज घूमने लगा ना, मतलब अगर मैं इसे ज़्यादा पावर दूंगा तो शायद से ये बंद हो सकता है। ऑल राइट, तो इससे पंखा वगैरह हुआ क्या बंद? ठीक है, तो यहाँ पे एक पंखा तो कम से कम बंद हो गया लेकिन दूसरा वाला पंखा भी बंद नहीं हुआ। और ये इसका पंखे का एक मैप टाइप का बना हुआ है और सबसे पहली मोटर तो थी उसको तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया पहले वाले पंखे की, और दूसरे वाले पंखे की जो मोटर है वो यहाँ पे नीचे की तरफ है और उसके बगल में ड्रिल वगैरह है। ठीक है, चलो अभी जो है नीचे चल लेता हूँ मैं।
मतलब अपने बैट मोबाइल व्हीकल को मैं नीचे लिख के जा तो सकता हूँ अभी. But you think Arkham Knight's hanging out in some tacky dive bar right now? एक सेकंड, सामने की तरफ दीवार है. इसके अंदर शायद से दूसरा जो जनरेटर है वो रखा होगा, लेकिन यहाँ पे काफी सारे बंदे हैं मिलिशिया के, तो इनको जो है मार देता हूँ सबसे पहले. तो चलो मर गए, बढ़िया. अभी मैं ऊपर जाऊंगा तो परेशानी ना हो जाए. चलो ठीक है, नीचे की तरफ जाना होगा फिलहाल के लिए मुझे. ऑल राइट, यहाँ पर लॉबी वगैरह बनी हुई है और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है. एक गेट ज़रूर है बट ये गेट ओपन नहीं होने वाला है. और जो यहाँ पे गार्डन है ना, ऑफिसर गार्डन, वो यहाँ पे नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता वगैरह जो है मुझे ढूंढना होगा. बट यहाँ पे तो किसी भी टाइप का जो रास्ता है वो समझ नहीं आ रहा है. और ये वाला रास्ता है जो है ये भी यहाँ पे बंद है. ऑल राइट, यहाँ पे जनरेटर वगैरह भी नहीं लगे हुए जिसको मैं यहाँ पे ओवरलोड कर सकता हूँ. कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, निकाल के देख लेता हूँ. लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है. मेरे हिसाब से दूसरे वाले पंखे को बंद करने के लिए यहाँ पे स्विच वगैरह होना चाहिए, बट वो भी यहाँ पर जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के लिए. यानी कि ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये यहाँ पे खुलता होगा, लेकिन ये खुलेगा कैसे? एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो हैकिंग डिवाइस है ना, इसको यहाँ पे निकालता हूँ. शायद हैकिंग डिवाइस को यूज़ करके मैं इस दरवाजे को जो हैक कर सकता हूँ. ये हैक होगा क्या? ये तो यहाँ पे जो हैक नहीं होने वाला है. ये हैक होगा, ये भी नहीं होगा. ऑल राइट, ठीक है. तो यहाँ पर तो हैक होने वाली कोई जगह नहीं है. और यहाँ पे ऊपर की तरफ जगह है, और ये क्या घूम रहा है भाई? ये पता नहीं किसी टाइप का ड्रोन होगा. खैर फिलहाल के लिए यहाँ से मैं ऊपर की तरफ चल लेता हूँ. और ये एलिवेटर आ चुकी है. चलो, इसका बटन किधर है? हीरा, एक सेकेंड, बटन प्रेस करना था. No power. I need another way to move it. मतलब यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे नहीं है लिफ्ट को चलाने के लिए. उन्होंने जो लिफ्ट की पावर है वो भी यहाँ पे काट दी होगी. और यहाँ पे जनरेटर है, और इसको प्रेस, इसको एक्टिवेट करने से यहाँ पे लिफ्ट की ये चली गई. ये तो बढ़िया हो गया. लेकिन मैं किधर आया? कहीं नहीं आया मैं तो. फिर से नीचे भेजता हूँ इसको, और नीचे जा सकती है ये. ऑल राइट, और नीचे जा रही है लिफ्ट, और ये मेरे हिसाब से इससे नीचे नहीं जाने वाली. और यहाँ पे भी दीवार है. बैट मोबाइल को तो मैं यहाँ पे लेके आ नहीं सकता, यानी कि मुझे अपना जो दूसरा गैजेट है एक्सप्लोजिव शेल, इसको यहाँ पे यूज़ करना होगा. एक सेकेंड, इसको मैं यूज़ क्यों नहीं कर सकता हूँ भाई? ऑल राइट, अभी कर रहा है. इससे जो दीवार है फूट जाएगी. 1 2 3, बढ़िया. और यहाँ पे कुछ और भी बंदे हैं, और इनके पास स्टन स्टिक्स हैं जिनको कि मैं यहाँ पे डिसेबल कर सकता हूँ अपने इलेक्ट्रिक चार्ज से. ऑल राइट, आ जाओ, तुम्हारी ऐसी कम तैसी, ले ले ये ले. चलो अभी जो है इनको बताता हूँ मैं. आ जाओ, ये ले और लो, निकल. ये देख के एक ही मुक्के में मर गया. ये यहाँ से खुल जाएगा गेट. वो पंखा बंद नहीं हुआ. अगर पंखा बंद नहीं होगा तो मैं अपनी व्हीकल को यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आ नहीं सकता. और यहाँ पे मैं इस पंखे के जस्ट नीचे हूँ, और मेरा जो गाड़ी है मेरी वो यहाँ पे है. मतलब मुझे इस पंखे को भी यहाँ पे बंद करना पड़ेगा. बट यहाँ पे किसी भी टाइप की जगह नहीं है जिससे कि मैं इसको बंद कर सकूँ. ये रास्ता किधर जा रहा है? ऑलराइट, यहाँ पे भी जगह है ऊपर जाने की, और यहाँ से आवाज भी आ रही है मुझे. एक सेकंड, यहाँ पे बंदे हैं, और ये बंदे ने यहाँ पे पानी में खड़े हुए हैं. अगर और यहाँ पे जनरेटर भी है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक्टिवेट कर दूँ तो सबके सब एक ही बार मर सकते हैं. ऑलराइट, ठीक है, तो सबको यहाँ पे झटका लग गया और सब लोग जो है एक ही बार में गए. बढ़िया. अब यहाँ से जो रास्ता वगैरह है ये मुझे ढूंढना होगा. और ये रहा एक और लीवर, इसको नीचे कर दूं. इससे ना ये वाला जो गेट है ये शायद ओपन हो सकता है.
ये एलिवेटर का गेट है। ऑल राइट, ये भी ओपन हो गया है। अरे नीचे चलना है, नीचे नीचे नीचे। ऑल राइट, अभी प्रेस करता हूँ इसको। गिरी नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पे पावर नहीं है, इसको नीचे करके चलता हूँ, क्योंकि जो अपने ऑफिसर गॉर्डन है वो यहाँ पे नीचे की तरफ ही है। As far as the elevator will go, I need to find a way past the obstruction blocking the shaft. और मैं इससे नीचे तो जा नहीं सकता। एक सेकंड, यहाँ पे किसका रास्ता है ये? ऑलराइट, और यहाँ पे ना एक जाली भी है, और यहाँ पर नीचे की तरफ कितने सारे बंदे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे जो है यहीं पर जाना होगा। उसके लिए ना यहाँ पर मुझे इस लिफ्ट को पहले ऊपर की तरफ भेजना होगा। ऑलराइट, और अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर भी ढेर सारे बंदे हैं, इनको भी जरा मुझे मजा चखाना पड़ेगा। और यहाँ पे इनका लीडर है, और इनका जो लीडर है बैटमैन के सूट के बारे में बता रहा है इन सबको कि बैटमैन का जो सूट है उसकी यहाँ पे वीकनेस वगैरह क्या है। फिलहाल के लिए यहाँ पे इसके लीडर की चेस्ट पे ना एक एक्सप्लोसिव शीट है, मतलब एक्सप्लोसिव बॉम्ब टाइप का। तो सबसे पहले तो मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। जोकर फिर से आ गया। ऑलराइट, इसका सबसे पहले डीएक्टिवेट कर देता हूँ। चलो ये भी यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया, बढ़िया। अब ये फटेगा नहीं, और अब मैं इनको बता सकता हूँ। सबसे पहले जोकर को मारूंगा मैं। ऑल राइट, यहाँ से मुझे बिजली का झटका लग गया। एक सेकंड, मुझे इनको नहीं मारना अभी। जोकर तू बीच में मत आ। एक सेकंड, इनकी तो ऐसे कम तैसी, इनकी ऐसे कम तैसी। किधर है वो? अरे इरा, एक सेकंड, ये ले। अभी एक और के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो उसके पास भी है, तो उसको भी जो है मुझे बताना पड़ेगा। इनके पास फिर से इलेक्ट्रिकल गन चार्ज आ गई। शिट, इनकी ऐसे कम तैसी। किधर है? ये ले, ये ले। बच गया, चलो बढ़िया। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। गन वाला किधर है? इसकी बताता हूँ मैं गन वाले को। इनकी ये फिर से ले आए। ऑलराइट, चलो ये सब के सब जो है मर चुके हैं, और जोकर अपना हीरा, मतलब जहां जोकर खड़ा होता है ना, समझ लो वहीं जाना है। Where do you think they're getting their intel? You think Barbara told them? Oh, those sidekicks of yours. A teeny tiny bit of torture. And they're all, please make it stop. I'll tell all Batman's secrets. ठीक है, ये पता नहीं कौन सी जगह पर आ चुका हूँ मैं। और सामने की तरफ एक और दीवार है। और जो ऑफिसर गॉर्डन है वो शायद से इसी दीवार के पीछे होंगे। यानी कि मुझे इसको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बट उससे पहले मुझे इस पंखे को यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे सबसे पहले तो इसको ना यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा, और उसके बाद मेरी जो कार है वो इसके ऊपर है, यानी कि किधर गई, ये रही, उसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ही कुछ होने वाला है। और यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर चलकर देख लेता हूँ। यहाँ पर शायद से कस्टन गन खड़ी हुई है, मतलब एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, बच गया मैं। यहाँ पे गन है, इसको मैं हैक कर सकता हूँ। इसको हैक करने के लिए मुझे ये हैकिंग डिवाइस निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो इसकी लाइट जो है 15 सेकंड के लिए बंद हो गई। 15 सेकंड में तो मेरा जो काम है आसानी से हो जाएगा। ऊपर के लिए जगह है क्या? ऑलराइट, ये ना मेरे हिसाब से लिफ्ट की जगह होगी, बट मैं यहाँ से ऊपर की तरफ आ सकता हूँ। और यहाँ पे एक और जनरेटर है, मतलब इस जनरेटर को यहाँ पे ओवरलोड करने से जो दूसरा वाला पंखा है वो भी यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा।
बट उसके लिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। ये ले एक और, थोड़ा और तेज। एक सेकेंड, नहीं, चलो एक और बस, पास में जाके छोड़ूंगा तो ज़्यादा बेटर है। ऑल राइट, फाइनली ये भी यहाँ पर गया और इसके जो पीछे पंखा था वो भी बंद हो गया। Now to get the Batmobile down onto that drill. और अब मैं यहाँ पे बैटमोबाइल को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ रिमोटली, यानी कि अब मुझे उस लाइट की चिंता करने वाली बात भी नहीं है, उसे भी मैं अपने व्हीकल से जो है फोड़ डालूंगा। चलो मैं यहाँ पर तो आ गया नीचे की तरफ। That's as far as the winch can take me. विंच को छोड़ दे देता हूँ मैं। चलो फाइनली यहाँ पर नीचे की तरफ तो आ चुका हूँ, अभी मुझे इसको नीचे की तरफ लेकर आना पड़ेगा और यहाँ से मैं जा नहीं सकता हूँ, मतलब उस गन को तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, यानी कि मुझे इन्हीं का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अपनी पावर विंच का। इससे ही किधर जाएगी, लगी कि नहीं लगी? ऑल राइट, छूट गई फिर से, इसको पकड़ता हूँ। ये छूट क्यों रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, इसको पकड़ता हूँ। ऑल राइट, इससे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ तो हो जा, इससे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको ट्राई करता हूँ। इससे भी यहाँ पर ये नहीं घूम रही है, मतलब कि मुझे दूसरी विंच लगानी पड़ेगी, इसको ट्राई करता हूँ। घूम जा। ऑल राइट, तो अभी ये जो है घूमने लगी है नीचे की तरफ, और इसको जो है सबसे पहले तो मुझे नीचे की तरफ लेकर जाना होगा। ऑल राइट, और जैसे ही वो गेट आएगा ना, एक सेकेंड, नहीं, पहले एकदम नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ इसको मैं। अरे ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, ये तो गलती आ रही है। अरे यार नीचे की तरफ लेकर चलना है, शिट, मेरे हिसाब से मैंने कंट्रोल छोड़ दिया था। ये तो ऊपर की तरफ आ गई। ऑल राइट, अभी यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ जाने लगी, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो है मैं इसको नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ पूरी तरीके से, उसके बाद जो है ऊपर लाने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। धीमे धीमे ये जो है नीचे की तरफ चली जाएगी और सबसे नीचे की तरफ जा पाएगी ये, क्योंकि यहाँ पर ना आप देख पा रहे होंगे ये ना चेन से बंधी हुई है और चेन के थ्रू ये जो है नीचे की तरफ आ रही है। मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा जो है नीचे की तरफ आ चुका हूँ, और नीचे आना है क्या? इतना तो बहुत है, मैं इतना नीचे तो आ गया यार। अभी ये जो मशीन है बहुत जल्दी जल्दी जा रही है नीचे की तरफ। ऑल राइट, चलो यहाँ पे वो जो लाइट है वो भी मुझे दिखने लगी है, बस थोड़ा और, बस एक सेकेंड। सबसे पहले तो इस लाइट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ मैं, इसकी ऐसी कम तैसी। निकल, ठीक है अभी जो है मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पे मैं कूद सकता हूँ। किधर गया रास्ता, यहीं से तो आया था मैं, इरा। चलो सीधा नीचे। ऑल राइट, अभी मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठ सकता हूँ। अरे यहाँ नहीं जाना, इतनी ऊपर नहीं जाना था मुझे, ये तो वापस से यहीं पे आ गया मैं।
अभी उस दीवार को मुझे तोड़ना होगा, यानी कि इस दीवार को, क्योंकि इसी के पीछे होने वाले हैं ऑफिसर गॉर्डन। चलो बट मैं तो चले जाऊंगा, बट मेरी व्हीकल कैसे जाएगी? एक काम करता हूँ, मैं ही चलता हूँ, बट मुझे अपनी व्हीकल को भी ऊपर लेके आना चाहिए। तो उसके लिए जो है मुझे ना इसको फिर से घुमाना पड़ेगा, इस विंच को। ऑलराइट, घूम जा घूम जा। ऑलराइट ऑलराइट, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही चलना है बस। और बस लगभग लगभग मैं पहुंच ही चुका हूँ, थोड़ा और, ठीक है फाइनली मेरी गाड़ी जो है यहाँ पर भी आ चुकी है। और फटाफट से अब मैं अपनी गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठ के आगे का रास्ता जो है यहाँ पे तय कर सकता हूँ। तो यहाँ पर चल लेता हूँ मैं आगे की तरफ आराम आराम से। मेरे हिसाब से मुझे इसको फोड़ना होगा, क्योंकि खुलेगा कैसे? ये दरवाजा तो बंद है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका बॉक्स है। इसको मैं खोल के, मतलब इसको यहाँ पे तोड़ के मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूँ। ठीक है, दरवाजा ये भी यहाँ पे खुल चुका है। It appears that you are close to the commissioner's location. Close, but this tunnel is leading me in the wrong direction. Dig up any schematics you can find. I'll do what I can, sir. Try not to get lost in the meantime. All right, तो एल्फ्रेड के हिसाब से मैं जो है ऑफिसर, मतलब कमिश्नर के, मतलब ऑफिसर गॉर्डन के पास में पहुंचने वाला हूं। और यहां पे ये उसी टाइप की टनल है, बट बैटमैन को लग रहा है कि जो टनल है ये जो है इसको किसी दूसरे गलत रास्ते पे लेके जा रही है। बट वो तो यहां पे अभी चल कर ही पता चलने वाला है कि गलत रास्ता है कि सही रास्ता है। ऑल राइट, ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या मजाक था? ये तो एक जाल है, और ये इतनी बड़ी मशीन क्या कर रही है इधर? और ये है कौन? जनरेटर टाइप लग रहा है। एक सेकेंड, ये आपका आर्कम नाइट फिर से आ गया। मतलब उस टाइम अगर मैं मार देता ना इसको तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन अब ये फिर से आ गया अपनी इतनी बड़ी मशीन लेके, और मुझे अभी इससे भागना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बैट मोबाइल जो व्हीकल है ये यहाँ पे काम तमाम होने वाला है आज तो इसका। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये अपनी बड़ी सी मशीन लेकर आ गया, यानी कि मुझे यहाँ से भागना होगा। फटाफट से यहाँ से आगे की तरफ चल लेता हूँ, और ये जो एरिया है ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बट आगे से टनल जो है बंद ना हो। और राइट, आगे से जो टनल है ये मुझे बंद लग रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं यहाँ से निकल लूँगा, जैसे तैसे करके निकलना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है यहाँ से निकलने का। और यहाँ पर मैं पता नहीं कौन सी वाली जगह पर जा रहा हूँ। एक सेकेंड, ये क्या है? मेरे हिसाब से बॉम्ब लगाए हुए हैं क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने इसका काम तमाम कर दिया, इसके मशीन का। Master Bruce, there's no way out. I believe the exit from those tunnels is being remotely controlled by the Arkham Knight. Then I have to fight him. Sir, the Batmobile's armor and weaponry are no match for that vehicle. But I am. I'll find a way. ठीक है, मतलब अभी इस टनल के बाहर की तरफ भी मैं नहीं निकल सकता हूँ। समझ गया, मतलब कि ये जो मेरा व्हीकल है बैट मोबाइल, ये भी उससे लड़ नहीं सकता, और वो जो है कहीं से भी आ सकता है अभी। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है? एक सेकेंड, ये मेरे हिसाब से इसी के अंदर है। यहाँ से मेरे हिसाब से कहीं और जाने का रास्ता है। एक सेकेंड, ये रहा, आजा आजा, मैं यहाँ पे हूँ, आजा मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, गलत रास्ते पे नहीं नहीं, पंगा नहीं लेना था मुझे उससे, नहीं नहीं नहीं, मैं बच जाऊंगा कि नहीं बचूंगा पता नहीं कुछ भी अभी। ऑल राइट, बच जाऊंगा शायद से, बच जाऊंगा। ऑल राइट, बच गया बच गया, ठीक है ठीक है। एक और बार, एक और बार, नहीं नहीं नहीं, किधर आ गया हूँ मैं? ठीक है, फिर से यहाँ पे जो बॉम्बे आ चुके हैं, और वो जो है यहाँ पे फिर से बंद हो गया है। ऑल राइट, मतलब कि मैंने उसे दो बार बंद कर दिया, और मुझे जो है इन्हीं टनल्स का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आगे वाली जो टनल है ना वो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, मतलब कि फिर से जो है मैं उसे मज़ा चखा सकता हूँ। एक सेकेंड, आप पीछे वाली टनल का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इस टनल का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाली जो टनल है ये भी वहीं पर जाने वाली है, बट वो है किधर ये मुझे पता करना पड़ेगा सबसे पहले।
लेकिन ये वाले जो टनल है ये बहुत ज्यादा लंबी है। और राइट वो फिर से आ गया यहाँ पे अपनी बड़ी सी मशीन को लेके। पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल जाती है इनको ये मशीनें, बट है किधर, ज्यादा दूर नहीं है मुझसे, आने वाला है, यहीं पे ही आ रहा है शायद। इन कहाँ से आ रहा? और राइट तो दो बार तो जो है मैंने उसको बॉम्ब से फोड़ दिया है, अभी मुझे दो बार और फोड़ना होगा क्योंकि यहाँ पे जो टनल है ये यहाँ पे दो और बची हुई हैं। अगर मैं दो टनल का यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ तो मैं जो है इसको मार सकता हूँ, और वो जो है यहीं पर आ रहा है, मेरे आसपास ही है, 150 मीटर दूर है बस। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद जो एक सेकेंड ही आ गया। ओ मैं इधर उधर, इधर हूँ मैं इधर, कम आ जा आ जा आ जा। ऑल राइट, वो जो है मेरे पीछे पीछे आ गया यहाँ पे, और अभी मुझे भागना पड़ेगा। बस मेरी जो गाड़ी है सही तरीके से चलती रहे तो ज़्यादा बेटर है। ऑल राइट ऑल राइट, बस पलटनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पलटनी। ऑल राइट, बच गया मैं फिर से, ठीक है फिर से बच गया मैं, ठीक है एक और बार बच गया मैं। ऑल राइट, मैं फाइनली शायद से पहुँचने वाला हूँ, और मैं पहुँच गया, और मेरी जो गाड़ी है ये भी पलट गई, बच गया। मतलब कि मैंने जो है उसको यहाँ पे तीन बार फोड़ डाला। अभी एक और टनल बची हुई है जो कि ये वाली है क्या? नहीं नहीं, जो नेक्स्ट टनल है वो है अपनी ये वाली। ये वाली टनल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब कि इसको जो है मुझे अब यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। किधर है, कहाँ से आएगा पता नहीं, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। एक सेकेंड, वो आ गया फिर से। ऑल राइट, वो ज़्यादा दूर नहीं है मेरे हिसाब से, वो जो है अभी इस साइड से आने वाला है। ऑल राइट, अपनी गाड़ी जो एकदम सीधी कर लेता हूँ, ठीक है आ जा। किधर से आएगा तू, जहाँ से भी आएगा वहीं से तू मरने वाला है, अब आ जा। आखिरी बार जो है उसको मुझे मारना है, पता नहीं कौन से वाले रास्ते से आएगा, तीन तीन रास्ते हैं यहाँ पे। आवाज़ तो पीछे से आ रही है, नहीं बहुत पास में है, यहाँ से आएगा। ऑल राइट, गिरा मैं। ऑल राइट, अभी निकलना चाहिए मुझे यहाँ से, क्योंकि जो टनल है ये बहुत ज़्यादा ऊंची नीची है। ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बच जाऊँगा बच जाऊँगा बच जाऊँगा बच जाऊँगा मैं। ये तो कितनी ज़्यादा अजीब सी टनल है ये, एक सेकेंड, पूरी की पूरी टनल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या? चलो मैं फिर से यहाँ पे बच जाऊँगा। ऑल राइट ऑल राइट, और मैं यहाँ पे फाइनली बच गया। आखम नाइट का काम तमाम हो चुका है, और इसकी व्हीकल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और यहाँ पे जो डोर है वो भी इसने खोल दिया है अपने अल्फ्रेड ने रिमोट कंट्रोल से। मतलब पहले ही खोल देता यार, इतनी ज़्यादा काम क्यों करना पड़ता। चलो ठीक है, यहाँ पे एक विंच है, इससे इसको मुझे पीछे की तरफ खींचना होगा। ऑल राइट, एक सेकेंड, ये फिर से आ गया, मतलब कि जमीन खोद के भी आ सकता है, बट इसकी मशीन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। एक सेकेंड, मतलब कि अभी भी ये जो है मुझे फोड़ सकता है। और राइट, और मैं किधर जाऊं भाई, एक सेकेंड, चलो मैं यहाँ पे बाहर की तरफ तो आ गया, बट मेरी बैट मोबाइल व्हीकल का इसने कचूमर बना दिया, और अब मैं किस तरीके से आगे का रास्ता ट्रेवल करूँगा बिना गाड़ी के। इसकी गाड़ी भी मुझे छीन लेनी चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है अभी इसके ऊपर। यार गाड़ी से क्या दुश्मनी थी यार मेरे। फिलहाल के लिए जो ऑफिसर गॉर्डन है वो अब तक मुझे नहीं मिले हैं, सबसे परेशानी वाली बात तो ये है। तो फटाफट से यहाँ पे आगे की तरफ चलकर देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा दूर नहीं रह गए, पास ही में रहे बस। एक सेकेंड, ये ऑल राइट, ऑफिसर गॉर्डन ही रहे। यहाँ पे जो ऑफिसर गॉर्डन को मारने में लगे हुए हैं, और यहाँ पे काफी सारे क्या है ये, कमरे में सिर्फ इतने ही बंदे हैं। मैं चाहूँ तो सबसे पहले इन तलवार वालों को मार सकता हूँ, या फिर इनके इसको मार सकता हूँ।
do you? All right, ये बहुत ज़्यादा मार रहा है ऑफिसर गॉर्डन को. I don't think you appreciate. इससे पहले कि वो मर जाए. See, you're tied to a chair, and me and my. मुझे यहाँ पे इसके लीडर को उठा लेना चाहिए सबसे पहले तो. We're gonna break every bone. All right. इसकी तो ऐसे कम तैसी. अभी ये गया. अभी ये जाएंगे सारे के सारे. आ जाओ तुम्हारी ऐसे कम तैसी. ये ले. All right. Performing first aid. You think you could beat him? ये भी गया और ये भी गया finally. बढ़िया. ऑल राइट, तो यहाँ पे ऑफिसर गॉर्डन को ढूंढने के बाद जो अपना आर्कम नाइट है वो यहाँ पे आ जाता है. और जैसे आर्कम नाइट वहां पे आ जाता है उसके बाद जो है हमें पता चल जाता है कि वो यहाँ पे और कोई नहीं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होता है अपना जेसन. तो उसके बाद जैसे हमें पता चल जाता है कि वहां पे वो जेसन होता है आर्कम नाइट के सूट के अंदर, उसके बाद जो है वो हमें फालतू में ब्लेम करने लगता है बैटमैन को. और उसके बाद जो है बैटमैन और यहाँ पे जेसन की जो फाइट है वो यहाँ पे होने लगती है. और उसके बाद जो है हम ऑफिसर गॉर्डन को बचा के पहुंच जाते हैं स्केयरक्रो के पास. वहां पर जो है स्केयरक्रो यहाँ पे ऑलरेडी डील कर लेता है ऑफिसर गॉर्डन से, और वो बोलता है कि अगर ऑफिसर गॉर्डन बैटमैन को उसके पास लेकर आता है तो यहाँ पे वो उसकी बेटी ओरेकल को छोड़ देगा, यानी कि बारबरा को छोड़ देगा. और जब ओरेकल हमें दिखती है तो हमें पता चल जाता है कि जो ओरेकल है वो आखिर में जिंदा है, और जो स्केयरक्रो है उसने यहाँ पे ओरेकल का डुप्लीकेट बैठाला हुआ था उस सेल के अंदर जहां पर कि उसने फियर टॉक्सिन रिलीज किया हुआ था. तो वहां पे जो ओरेकल है वो नहीं मरी हुई थी, ओरेकल अभी भी जिंदा है. उसके बाद जो है यहाँ पे ऑफिसर गॉर्डन चला देता है यहाँ पे गोली बैटमैन के ऊपर. जो है बैटमैन वो यहाँ पे नीचे की तरफ चला जाता है. उसके बाद जो स्क्रिक्रो है वो यहाँ पे ओरेकल को नीचे की तरफ ढकेल देता है, बट यहाँ पे जो बैटमैन है वो यहाँ पे ओरेकल को बचा लेता है. उसके बाद जो स्क्रिक्रो है वो ऑफिसर गॉर्डन को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा के कहीं पर ले जाता है. तो अभी से जो है हम यहीं से ही कंटिन्यू करने वाले हैं. तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे जो टैंक है वो यहाँ पे इस दीवार को फोड़ने में लगे हुए हैं, और अभी हमें यहाँ पे ओरेकल को बचाना है. और ओरेकल को बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी जो बैट मोबाइल है उसको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, बट जो बैट मोबाइल है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. बट यहाँ पे एल्फ्रेड हमारे लिए या फिर ल्यूशियस फॉक्स हमारे लिए दूसरी बैट मोबाइल व्हीकल को यहाँ पे भेज देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकंड वाली व्हीकल है वो यहाँ पे आ चुकी है. ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने 10 मिसाइल्स को इकट्ठा छोड़ दिया है, और 10 के 10 लोग जो है यहाँ पे टैंक जो है मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. ऑल राइट, यहाँ पे कुछ और टैंक भी हैं, और ये ना मेरे हिसाब से बैट मोबाइल व्हीकल की डुप्लीकेट ही है. ऑल राइट, ऑल राइट, ये भी गया, और इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है. एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये ले. I need to stay within range of the remote control. ये भी गया. ऑल राइट, ये भी गया. यहाँ पे ढेर सारे टैंक हैं. ऑल राइट, ये भी गया, और भी यहाँ पे तीन चार व्हीकल और है. एक सेकेंड, इसकी ऐसे कम तैसी. ये ले, यहाँ पर सारे के सारे जो टैंक हैं इनको मैंने उड़ा दिया. और ये वाली जो व्हीकल है ये मुझे मस्त लग रही है, एकदम पेंटिंग पेंटिंग हो रखी है इसकी. चलो, अगर उसने हमारी एक बैट मोबाइल व्हीकल डिस्ट्रॉय कर दी तो हमारे पास दूसरी तो ऑलरेडी है. तो यहाँ पर जो है मुझे बारबरा को बचाना होगा, तो अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ. Scarecrow's going to kill him, isn't he? Not while he can use him to get to me. तो अभी यहाँ पर इसको बैठा देता हूँ मैं इस गाड़ी के अंदर, और ओरेकल को यहाँ पे सेफ जगह पे पहुँचा देता हूँ. I'll get you set up at the precinct. We'll find your father. यानी कि अभी मैंने ओरेकल को बचा लिया, अब इसकी डैडी को बचाना होगा, यानी कि ऑफिसर गॉर्डन को बचाना होगा. Barbara,
बट यहाँ पे सबसे पहले बारबरा को लेके चलता हूँ जीसीपीडी के हेडक्वार्टर्स में. You don't need to worry about us or feel responsible. We're fighting with you, not for you, okay? It's good to have you back. Cash, I found Barbara. I'm bringing her to the lockup. She's alive. Thank God. What about Gordon? He was captured by Scarecrow. You've got to be kidding me. We'll get him back, Cash. All right, तो ऑफिसर कैश को भी मैंने बता दिया है कि जो ओरेकल है वो अभी भी यहाँ पे जिंदा है. और ये आ चुका हूँ मैं यहाँ पे जीसीबीडी के हेडक्वार्टर्स में. फटाफट से यहाँ पे अंदर की तरफ चल लेता हूँ. Where's Tim? Is he okay? I left him at the movie studios. He's fine. Barbara, it's great to see you. Hello, Aaron. It's been a while. Barbara's gonna be helping out here. Whatever you say. She work for you now? Hell, what am I saying? We all do, right? All right. So here, सारे के सारे officers Batman के लिए यहाँ पे काम करते हैं. Okay. तो Oracle तो यहाँ पे करेगी. Let's see. First, establish comms with the clock tower computer. They really should upgrade these machines. Okay, we're in. Damn it. Scarecrow's men are already there. They're trying to take out the server room. Copy the data off the mainframe. I can't. The militia are locking down our access. We've lost the connection. We need that data. It's the only way to find my dad. I'll handle it. You can't go there. They'll be expecting you. I'm counting on it. All right. तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे ओरेकल के सर्वर को बचाना होगा मिलिशिया को, जिससे कि मिलिशिया जो है डिस्ट्रॉय ना कर पाए. और उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ से बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बाद मैं सर्वर को यहाँ पे रोकने से, मतलब तोड़ने से बचा पाऊंगा. ऑलराइट. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है मेरी नई कार से छेड़खानी करने में लगे हुए थे. वैसे मेरी नई कार तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आई है, और अगर आपको पसंद आई है तो जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिए. तो इस वाले बैटमैन के एपिसोड में सिर्फ इतना ही. अगर आपको ये जो बैटमैन का एपिसोड है पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिए. और मैं आपको मिलता हूँ बैटमैन के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसे किसी बढ़िया से एपिसोड के साथ. तब तक के लिए आप हमेशा की तरह खुश रहिएगा, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ये मत भूलिएगा कि ये जो कार है आपको न्यू वाली बैट मोबाइल 2, ये आपको कैसी लगी. तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा.